जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के 2 नवंबर से 30 नवंबर तक के राशिफल के बारे में। कुंभ राशि के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के 2 नवंबर से 30 नवंबर तक के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और शनि 12वें भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु भी वहाँ पर गोचर में है। गुरु 20 नवंबर तक 12वें भाव में हैं और उसके बाद प्रथम भाव में गोचर करेंगे और सूर्य आपके तुला राशि में गोचर में हैं, जो कि 16 नवंबर तक वहाँ पर रहेंगे। नीच राशि में हैं और वो 16 नवंबर के बाद दसम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर में आ जाएंगे और बुध भी नवम भाव में गोचर में रहेंगे 2 नवंबर से 21 नवंबर तक तुला राशि में, उसके बाद वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो एक तो इस महीने सूर्य और बुध आदित्य योग बनाएंगे, नवम भाव में पहले बनाएंगे फिर दसम भाव में बनाएंगे, तो पहला तो ये बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे कुंभ राशि वालों को। और दूसरी बात ये करें कि आपकी राशि के स्वामी शनि 12वें भाव में हैं, गुरु के साथ हैं, अच्छे परिणाम मिलेंगे। 20 नवंबर को गुरु आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, प्रथम भाव में आ जाएंगे तो उनकी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, सप्तम भाव पर रहेगी और नवम भाव पर रहेगी 20 नवंबर से। और उसके पहले जो है क्या नाम वो 12वें भाव में रहेंगे तो उनकी दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी और छठे भाव पर रहेगी और अष्टम भाव पर रहेगी। और शुक्र का गोचर जो है धनु राशि में रहेगा, आय भाव में रहेगा, तो आय भाव के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र ऐश्वर्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, तो लग्जरी के कारक हैं, तो वो भी अच्छा रहेगा। और केतु आपके दसम भाव में रहेंगे, राहु चौथे भाव में रहेंगे और मंगल भी तुला राशि में रहेंगे, तो इस तरह का कुछ गोचर रहेगा ग्रहों का। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। तो प्रथम भाव की बात करें तो प्रथम भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि हैं जो कि 12वें भाव में रहेंगे। 12वें भाव में रहेंगे इस समय पर आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। 12वां भाव हानि का भाव है, व्यय का भाव है। व्यर्थ के बाद विवाद से बचना होगा, किसी भी लड़ाई झगड़े से दूर रहें। और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कारोबार है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, विदेश से जुड़ा कोई कारोबार है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, हॉस्पिटल क्षेत्र में कार्य करते हैं तो लाभ मिलेगा, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गुरु भी वहाँ पर हैं तो ये परिणाम रहेंगे उस तरह के। दूसरे भाव की बात करें, धन भाव है तो धन के मामले में 20 नवंबर तक भी आपको विदेश से जुड़े कोई कारोबार हैं तो उनसे लाभ मिलेगा, लेकिन खर्चे बने रहेंगे। और दूसरे भाव के स्वामी जो गुरुदेव हैं वो आय भाव के स्वामी भी हैं और धन भाव के स्वामी भी हैं। आय भाव और धन भाव के स्वामी का गोचर जब आपके प्रथम भाव यानी आपकी राशि में होगा 20 नवंबर से, तो बहुत अच्छे परिणाम रहेंगे। वैसे तो कुल मिलाकर इस महीने मिले जुले परिणाम रहेंगे, क्योंकि 20 नवंबर तक गुरुदेव आपके 12वें भाव में रहेंगे, तो उस समय पर आपको लाभ तो होगा, विदेश से जुड़ी चीज़ों से लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो लाभ होगा, नौकरी करते हैं तो भी लाभ होगा, व्यापार में भी लाभ होगा। ऐसी बात नहीं है कि व्यापार में लाभ नहीं होगा, बस सिर्फ ये रहेगा क्योंकि आपके राशि स्वामी और आपके आय और धन भाव के स्वामी दोनों आपस में युति में हैं, एक ही साथ गोचर में हैं 12वें भाव में, तो लाभ तो इस महीने आपको मिलना ही मिलना है, लाभ तो निश्चित है, लेकिन खर्चे बढ़े रहेंगे 20 नवंबर तक, क्योंकि 12वें भाव में हैं तो खर्चों का भाव है, तो खर्चे आपके निश्चित ही बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर मिला जुला महीना रहेगा, लेकिन 20 नवंबर से बहुत अच्छा महीना रहने वाला है कि जब आपके धन भाव के स्वामी आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, वो आय भाव के भी स्वामी हैं, तो धन के मामले में बहुत अच्छा जाने वाला है, खर्चे भी आपके कम हो जाएंगे और फिजूल खर्ची की जो प्रवृत्ति है वो आपकी कम देखी जाएगी, लेकिन 20 नवंबर तक बढ़ी रहेगी और आमदनी आपकी अच्छी रहेगी। किसी अन्य स्रोत से भी फायदा हो सकता है, जीवन साथी से फायदा हो सकता है, व्यापारिक पार्टनर से लाभ मिलेगा, व्यापार कारोबार में लाभ मिलेगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी। और 20 नवंबर में प्रथम भाव में हैं तो बड़ा लाभ हो सकता है और वाहन का योग भी रहेगा
और विदेश से लाभ भी हो सकता है, विदेश से जुड़े कारणों से लाभ हो सकता है। ये आपको 20 नवंबर तक ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 20 नवंबर तक जब गुरुदेव 12वें भाव में रहेंगे तो उस समय आप वाहन खरीदना चाहते हैं, क्योंकि दृष्टि उनकी जो है चौथे भाव पर रहेगी, पंचम दृष्टि, तो उस समय आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विदेश से लाभ होना ही होना है, विदेश से जुड़े कार्यों से लाभ मिलेगा, और जो लोग हॉस्पिटल आदि के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको लाभ मिलेगा। शनि की दृष्टि छठे भाव पर है, ऋण रोग शत्रु का भाव है, तो छठे भाव के जो कार्य तत्व हैं उनसे भी लाभ मिलेगा, यानी कि अगर आपको लोन लेना है तो वो आपका पास हो जाएगा तुरंत, और रोग है तो उसमें मुक्ति मिलेगी, आराम मिलेगी। अगर लंबा रोग है, कोई लंबे समय से रोग चल रहा है, तो उसमें भी लाभ मिलेगा, और अगर कोई छोटी मोटी समस्या है तो वो ठीक हो जाएगी, और शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। और चौथे भाव में राहु का गोचर भी है, तो परिवार में गलत फहमियों से अवश्य बचना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो धन के मामले में कुंभ राशि वालों का शानदार महीना जाने वाला है नवंबर का, बस आपको 20 नवंबर तक खर्चों पर ध्यान रखना है। तीसरे भाव की बात करें तो तीसरे भाव में मेष राशि है, स्वामी मंगल हैं, और मंगल आपके पूरे महीने तुला राशि में रहेंगे और अपने भाव पर दृष्टि रखेंगे, तो मंगल की दृष्टि भी तीसरे भाव पर रहेगी, तो इस समय आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, मित्रों से संबंध अच्छे रहेंगे, मित्रों से सहयोग मिल सकता है, छोटे भाई बहनों से सहयोग मिल सकता है, समाज में मान सम्मान मिलेगा। मंगल जो आपके हैं वो भूमि भवन के कारक हैं, यानी कि आपके कोई भूमि से प्रॉपर्टी से जुड़े कारोबार हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी में हैं, आप किसी फोर्स में हैं, चाहे पुलिस में हैं, चाहे मिलिट्री में हैं, एयरफोर्स में हैं, किसी में भी हैं, तो वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, पदोन्नति हो सकती है, बोनस मिल सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, इस तरह के परिणाम मिलेंगे मंगल की दृष्टि से। भाग्य भाव में मंगल हैं और वहाँ पर सूर्य भी गोचर में हैं और बुध भी हैं, तो इस तरह के आपको मिल सकते हैं परिणाम तीसरे भाव के। चौथे भाव की बात करें तो चौथे भाव में वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं, और चौथे भाव में राहु भी हैं, और 20 नवंबर तक गुरुदेव की यहाँ पर दृष्टि भी है, तो चौथे भाव के परिणाम भी अच्छे रहेंगे। पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। वाहन का सुख मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं, इस महीने आपके पास अच्छा है समय, कोई 2-व्हीलर या 4-व्हीलर कोई वाहन खरीद सकते हैं, उसके लिए भी अच्छा है। बस परिवार में गलत फहमियों से बचना है, इस बात का ध्यान रखना है। परिवार के सदस्यों के साथ या परिवार में कोई भी गलत फहमी ना हो, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अगर कोई गलत फहमी होगी भी तो 20 नवंबर के बाद वो आपकी दूर हो जाएगी, तो चौथे भाव के परिणाम आपको अच्छे मिलने वाले हैं। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं, और बुध तुला राशि में यानी आपके भाग्य भाव में 21 नवंबर तक, और उसके बाद 21 नवंबर के बाद वो वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, दशम भाव में आ जाएंगे, उस समय पर दृष्टि भी आपके चौथे भाव पर होगी। तो पंचम भाव शिक्षा का भाव है, संतान से लाभ होगा, संतान का भाव है, शिक्षा से लाभ होगा, और 20 नवंबर से गुरु की दृष्टि, तो लाभ निश्चित ही मिलेगा। और शिक्षा में अगर आपकी कोई कंपनी है जो शिक्षण से जुड़े हुए कार्य करती है, कोई स्कूल है, कोई आपके ऐसे कोचिंग वगैरह चलाते हैं, तो उसमें लाभ मिलेगा, और शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उससे लाभ मिलेगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको इस समय लाभ मिल सकता है। तो पंचम भाव में प्रेम संबंधों में भी सफलता रहेगी, बस थोड़ा सा वाद विवाद का ध्यान रखना पड़ेगा, वाद विवाद से बचना होगा, इस बात का ध्यान रखें। और छठे भाव की बात कर चुके हैं, लेकिन छठे भाव के स्वामी चंद्रमा हैं जो कि सभी राशियों में गोचर करेंगे, तो स्वास्थ्य छोटी मोटी समस्याओं से इनकार नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य संबंधी समस्या अगर कोई होती है तो उसकी देखरेख करें, यानी कि आप डॉक्टर से परामर्श लें और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, इस बात का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं, और सप्तम भाव वैवाहिक संबंधों का भाव है, पारिवारिक जीवन भी यहाँ से देखते हैं, पार्टनरशिप का भी भाव है। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपके तुला राशि में होगा, आपके भाग्य भाव में होगा, नवम भाव में होगा। तो तुला राशि में रहेंगे तो नीच के रहेंगे, तो गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, और चौथे भाव में राहु का गोचर भी है तो पारिवारिक मामलों में गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद 20 नवंबर को जब गुरु प्रथम भाव में आ जाएंगे गोचर में, तो उनकी दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम पर होगी, हालांकि 20 नवंबर तक भी गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर होगी, जब इतनी दिक्कतें परिवार में नहीं रहेंगी।
और जब 20 नवंबर को प्रथम भाव में आ जाएंगे तो जो शादीशुदा लोग हैं उनको उनके लिए अच्छा रहेगा, और जो शादी करना चाहते हैं, अविवाहित हैं या उनके प्रेम संबंध पहले से चल रहे हैं और शादी करना चाहते हैं लेकिन शादी अभी तक उनकी नहीं हुई है, तो उनके लिए समय अच्छा रहेगा। वो शादी उनकी हो सकती है, बातचीत कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। और पति पत्नी से आपस में जीवन साथी से मतलब फायदा भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन सूर्य का जो गोचर नवम भाव में रहेगा उस कारण जो है थोड़ा सा आपको वाद विवाद और आप में अहम भी देखा जा सकता है। अष्टम भाव की बात करें, आयु का भाव है, अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है, साथ ही साथ ज्ञान का भाव है, रिसर्च का भाव है, ज्योतिष अध्यात्म योग वगैरह यहाँ से देखते हैं, तो इन सब चीज़ों में तो फायदा रहेगा ही। आप कोई ऐसी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई गूढ़ रहस्य ऐसा अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। रिसर्च आदि से अध्ययन कर रहे हैं तो उसका भी फायदा मिलेगा। ये 20 नवंबर तक ज़्यादा फायदा रहेगा, गुरु की अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, अच्छी रहेगी और लाभ भी होगा। और अगर आपके कोई कंस्ट्रक्शन से जुड़े कार्य हैं, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े हुए कार्य हैं, लोहा मेटल वगैरह के कार्य हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। और गुरु का गोचर 20 नवंबर के बाद आपकी राशि में होगा तो जब भी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। नवम भाव की बात करें, तुला राशि है, स्वामी शुक्र का गोचर एकादश भाव में है और सूर्य यहाँ पर गोचर में है, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, पिता से संबंधों में कोई अहम ना आने दें। और मंगल भी वहाँ पर हैं और बुध भी हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर भी रहेगी तो ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, कोई यात्रा कर सकते हैं या कोई यात्रा प्लान हो सकती है, लेकिन उसमें लाभ मिलेगा ऐसा थोड़ा मुश्किल है। बाकी व्यापारिक कारोबार के लिए कोई यात्रा हो सकती है। और उसके बाद 16 नवंबर के बाद सूर्य का गोचर दशम भाव में हो जाएगा। दशम भाव में केतु का गोचर है और केतु वहाँ पर हैं तो सूर्य पर केतु की दृष्टि रहेगी और राहु की दृष्टि रहेगी। और सूर्य और बुध नवम भाव में बुध आदित्य योग बनाएंगे और दशम भाव में बुध आदित्य योग बनाएंगे, तो नवम भाव में बनाएंगे तो आपको लिए शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। विदेश से जुड़ा, विदेश में अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा रहेगा। कोई अच्छी यात्रा हो सकती है शिक्षा को लेकर, और गुरु से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। और दशम भाव में जब बुध आदित्य योग बनाएंगे तो व्यापार कारोबार के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध कारोबार के कारक भी हैं। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, कोई राजस्व विभाग में हैं, कोर्ट कचहरी में हैं, गवर्नमेंट में हैं, शिक्षक हैं, एजुकेशन से जुड़े उनके कार्य हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े कार्य हैं, तो उनको लाभ मिलने वाला है। और सरकारी नौकरी में हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। और जब दशम भाव में होंगे तो बुध और केतु के साथ होंगे तो बुधादित्य योग बनेगा, तो केतु है वहाँ पर तो थोड़ा महत्वाकांक्षाएँ बढ़ जाएंगी, लेकिन राहु की दृष्टि भी है तो थोड़ा बहुत नकारात्मक परिणामों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बाकी ज़्यादातर परिणाम अच्छे रहेंगे। कमीशन का कोई काम है, कोई इस तरह का काम है, प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उनमें लाभ मिलेगा। राजनीति में है तो वहाँ पर भी लाभ मिलेगा और व्यापारिक क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा, व्यापार कारोबार अच्छा चलेगा। और जो शिक्षा में व्यापार करते हैं उनके लिए भी इस समय पर अच्छा रहेगा। एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव में धनु राशि है और धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं, जो कि 20 नवंबर तक 12वें भाव में हैं, फिर प्रथम भाव में हैं, लेकिन शुक्र का वहां पर गोचर है। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं, तो शुक्र जो है, शुक्र का गोचर एकादश भाव में धन वैभव संपदा आपको देगा। सौंदर्य से जुड़े हुए जिनके कार्य हैं, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें बनाते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें बेचते हैं उनके लिए फ़ायदा रहेगा, कोई म्यूजिशियन है, कोई गायक कलाकार हैं, कोई अभिनय करते हैं उनके लिए फ़ायदा रहेगा, उनको भी सुफल प्राप्त होंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको लाभ होगा, लेखक वगैरह हैं उनको लाभ होगा, महिलाओं से जुड़े कार्यों में लाभ होगा, अगर कोई ब्यूटिशियन है, ड्रेस डिजाइनिंग है तो उसका कार्य करते हैं उनको लाभ होगा, सोने चांदी के आभूषण मतलब गहने वगैरह बनाते हैं या बेचते हैं उनसे लाभ होगा। और शुक्र के प्रभाव से महिलाओं से लाभ मिलेगा आपको, आपके जीवन साथी से भी आपको लाभ मिल सकता है। और धन भाव के स्वामी भी 20 नवंबर से प्रथम भाव में होंगे, जो कि आय भाव के स्वामी भी हैं, तो फिर ये योग और अच्छा हो जाएगा। तो 20 नवंबर तक भी लाभ अच्छा मिलेगा, लेकिन उस समय खर्चे बढ़े रहेंगे, लेकिन 20 नवंबर के बाद जो लाभ मिलेगा वो अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है, क्योंकि उस टाइम आपके खर्चे भी ज़्यादा नहीं होंगे और लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। 12वें भाव की बात कर चुके हैं, लेकिन 12वें भाव की बात कर लेते हैं तो शनि और गुरु वहाँ पर हैं, तो अगर आप कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 16 नवंबर के बाद अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। मेहनत करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, विदेश से जुड़े कारोबारों में सफलता मिलेगी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के कारोबार में सफलता मिलेगी,
और आपके कोई हॉस्पिटल वगैरह का काम है, कोई पैथोलॉजी लैब है, कोई आपका हॉस्पिटल चलाते हैं, कोई नर्सिंग होम चलाते हैं, कोई क्लिनिक चलाते हैं, इन लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह का कुछ परिणाम गोचर का रह सकता है नवंबर के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए। उपाय की बात करें तो सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, नवम भाव में गोचर है, इस टाइम नीच के हैं। तो पहले तो आपको सुबह रोजाना जल्दी उठकर नहा धोकर सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, और स्वस्थ रहने के लिए आप सूर्य नमस्कार करें तो सूर्य भगवान की कृपा भी मिलेगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं या सुन सकते हैं, और आप मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, मंदिर जाकर हनुमान को प्रसाद चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को, और गरीबों में बांट सकते हैं, बूंदी बांट सकते हैं गरीबों में, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और माता पिता की सेवा करें, और अपने घर में जो अगर दादा दादी या कोई भी बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा, और शुक्रवार को गाय की सेवा भी कर सकते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको कुंभ राशि वालों का 2 नवंबर से 30 नवंबर तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।